बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूँ मिसेज मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार खोए मलाई वाली कुल्फी। घर में इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की होती है और ख़ासतौर पर बच्चों की तो बहुत ही जो है फेवरेट होती है। तो आज हम आपके लिए इसकी रेसिपी लेकर आए हैं। तो शर्त यह है कि आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलकर बनाते हैं ये मज़ेदार सी खोए मलाई वाली कुल्फी। हमने चूल्हे पे रख लिया है और 1 लीटर हम इसमें फुल फैट दूध जो है वो भैंस का दूध है, ये खुला दूध है, वो डालेंगे। इसके बॉयल होने का इंतजार करेंगे। दूध को बॉयल आना शुरू हो चुका है तो यहाँ हम डालेंगे, ये मेरे पास 3-4 इलायचियों के बीज हैं, दाने हैं। अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। चूल्हे की फ्लेम आहिस्ता कर देंगे। और यहाँ ये मेरे पास 2 टेबलस्पून जो है वह बादाम और पिस्ता है, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बना हुआ, क्रश किए हुए हैं, बहुत अच्छे जो है वो ये कुल्फी में मज़ा देंगे, थोड़े थोड़े जो मुंह में आएंगे बादाम और पिस्ते के पीसीस। तो यहाँ हम चूल्हे की फ्लेम जो है वो स्लो कर देंगे। आप देख सकते हैं एक स्लो आंच पे हम पका रहे हैं तो इस तरह दूध जो है वो पक रहा है, बिल्कुल स्लो आंच पे ऐसे करें और साथ साथ से ऐसे चम्मच के साथ इसकी मलाई जो जमती है उसको उतारते रहें। तो अब यहाँ पे डालेंगे मैं 1 कप से कम है थोड़ी सी चीनी। चूल्हे की फ्लेम थोड़ी यहाँ पे तेज करेंगे ताकि दोबारा से बॉयल आ जाए, चीनी डालने से वो रुक गया है, चम्मच चलाते रहेंगे ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। इस तरह इतनी स्लो फ्लेम पे आप इसे पकाते रहें, ये बिल्कुल उबलेगा नहीं, गिरेगा नहीं, आराम आराम के साथ पकता रहेगा। और इस तरह आप थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच से इसके ऊपर जो मलाई और मलाई वगैरह आ रही है वो बीच में करते जाना है। और तकरीबन हम इसे आधा पका लेंगे, जब ये आधा रह जाएगा अपने क्वान्टिटी से तब तक हमने इसको पकाना है। आप देख सकते हैं जी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा दूध जो है वो पक पक के कम हो चुका है। और ये देखें साथ में जो हमारे चमचे के साथ इस तरह लग रहा है, बहुत अच्छी तरह ये थिक हो चुका है। तो इस स्टेज पर यह हमारे पास ये खोया है जी, ये होममेड है। इसकी रेसिपी हम आपके साथ पहले शेयर कर चुके हैं, आई बटन में दे देंगे, वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। तो अब इसमें खोया शामिल करेंगे, ये 200 ग्राम खोया है। चम्मच चलाएंगे ताकि अच्छी तरह ये मेल्ट हो जाए। खोए के मेल्ट होते ही आप मसाला देखें, इसका टेक्सचर देखें, ये कितना जो है वो थिक हो चुका है। तो यहाँ हम जो है वो चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद जो है वो थिक हो जाएगा। ये देखें मसाला जी ठंडा होके हमारी कुल्फी कितनी थिक हो चुकी है मज़ीद। अभी यहाँ हमारे पास ये मोल्ड हमने कुल्फी के लिए हुए हैं, ये इस तरह करते हैं।
सारे मोल्ड जो है वो हमने फिल कर दिए। अब इसको हम जो है वो पूरी रात के लिए जो है वो फ्रिज में रखेंगे। अगर दिन में बना रहे तो आपको कम से कम 8 घंटे आप इसे फ्रिज में रखें। पूरी रात हमने इस कुल्फी को जो है वो फ्रीजर में रखा है, बहुत अच्छी तरह आप देखें जम चुकी हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक बाउल में जो है वो पानी लेंगे और थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए इसको इसमें पानी में डिप कर देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं पानी में इन्हें डिप किए हुए, तो अभी जो है वो इनको निकालते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब देखें जी भाई कुल्फी जा कितनी ही यम्मी सी जो है वो तैयार है। इसको यहाँ पे रखेंगे, बाकी सारी भी निकाल लेंगे। ये हमारी आखिरी भी निकल आई है माशाल्लाह, आप देखें कितनी खूबसूरत लग रही है और बहुत ही प्यारी जो है वो बादाम और इलायची की जो है वो खुशबू आ रही है। आप देखें फाइनली हमारी बहुत मज़ेदार, बहुत ही जो है खूबसूरत हमारी खोए मलाई वाली कुल्फी जो है वो रेडी है। फातिमा इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है, आपको टेस्ट करके बताती हैं वो। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ जो है वो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसेज मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार खोए मलाई वाली कुल्फी। घर में इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की होती है, और ख़ासतौर पर बच्चों की तो बहुत ही जो है फेवरेट होती है। तो आज हम आपके लिए इसकी रेसिपी लेकर आए हैं, तो शर्त यह है कि आप वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा, अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलकर बनाते हैं ये मज़ेदार सी खोए मलाई वाली कुल्फी।